दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 जून से शुरू होने वाला है, जिससे पहले साउथ अफ्रीका T20 लीग, इंटरनेशनल T20 लीग, साथ ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है और अब आ चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग 2024। जी हाँ दोस्तों, PSL की शुरुआत आज यानी कि 17 फरवरी से होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला शाम 8 बजे खेला जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट लाइन गुरु के सेगमेंट प्री मैच एनालिसिस में, जहां पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं PSL के सेकंड मुकाबले के बारे में, यानी कि दूसरे मैच के बारे में, जो कि पेशावर जालिमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच खेला जाएगा 18 फरवरी यानी कि संडे के दिन दोपहर 2:30 बजे। वेल, आपको बता दें कि 18 फरवरी यानी कि संडे के दिन डबल हेडर मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला होगा 2:30 बजे, तो वहीं दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स के बीच में रात 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि PSL की शुरुआत हो चुकी है, जिसका दूसरा मुकाबला आज हम कवर करेंगे, जहां पर हम बताएंगे आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 आखिर क्या हो सकती है, किन खिलाड़ियों को यहां पर मौका मिल सकता है, साथ ही कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए आज के मैच प्रीव्यू की हम शुरुआत कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो ये जो मुकाबला है दोस्तों, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। यहां की अगर पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो 41 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 27 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट बैटिंग का रहा है 176 का, हाईएस्ट स्कोर यहां बनाया है मुल्तान सुल्तान की टीम ने 245 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर दर्ज किया है लाहौर कलंदर्स की टीम ने, जिन्होंने 10 विकेट पर मात्र 76 रन स्कोर किए थे। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो स्कोर बिलो 150 इस पिच पर बना है 7 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 9 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 13 टाइम्स, वहीं स्कोर अबव 190 बना है 12 टाइम्स। इसके अलावा हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए PSL में पेशावर जालिमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 22 बार आमने सामने आ चुकी है, एक मुकाबले का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, तो वहीं 12 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है पेशावर जालिमी की टीम ने, तो वहीं 9 मुकाबले क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के नाम दर्ज हुए हैं। अब अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो देखिए लास्ट 5 मैचेस में से 4 मुकाबले जो है पेशावर जालिमी ने अपने नाम किए थे, तो वहीं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नाम मात्र एक ही मुकाबला दर्ज हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेशावर जालिमी का जो ये PSL के सीजन में जो पहला मुकाबला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, इस मुकाबले को वो जीतना जरूर चाहेगी और जीत के साथ इस लीग की शुरुआत करना चाहेगी। तो किन 11 खिलाड़ियों को यहां पर मौका मिल सकता है, देखिए यहां पर कप्तान बाबर आजम टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनके कंधों पर टीम की कमान सौंपी गई है। अब वो किन 11 खिलाड़ियों को देंगे अपनी कप्तानी में खेलने का मौका, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहां शामिल रह सकते हैं बाबर आजम, रोमन पावेल, सैम आयु, टॉम कोहलर कैडमोर, आसिफ अली, मोहम्मद हैरिस, नवीन उलहक, कुरम शहजाद, वकार सलाम खेल, शमार जोसेफ और गस एटकिंसन। तो पेशावर जालिमी की प्लेइंग 11 में ये 11 खिलाड़ी हमें नजर आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन की प्लेयर्स की बात करें यानी कि उन गेंदबाजों और बल्लेबाजों की जो कि इस मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन के साथ हमें मैदान पर नजर आएंगे, तो देखिए पेशावर जालिमी की प्लेयर्स की लिस्ट में हमने बाबर आजम जो कि कप्तान है टीम के, उनका नाम शामिल किया है। इनके अलावा टॉम कोहलर कैडमोर है, मोहम्मद हैरिस, रोमन पवेल, साथ ही शमार जोसेफ का नाम हमने यहाँ पर शामिल किया है दोस्तों। अब देखना होगा कि ये जो की प्लेयर्स की लिस्ट में खिलाड़ी हमने शामिल किए हैं ये कैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि PSL के शुरुआती मैच में इन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहेगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर देखिए राइली रोसो के कंधों पर है टीम की कमान, किन 11 खिलाड़ी को देंगे वो मौका पेशावर जालिमी के साथ भिड़ने का, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं उनके नाम है राइली रोसो, सरफराज अहमद, शेफन रदरफोर्ड, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम, जेसन रॉय, वानिंदु हसरंगा, मोहम्मद हसनैन, विल स्मिथ, सौद शकील और अकील हुसैन। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें पेशावर जालिमी के खिलाफ भिड़ते हुए दिखाई देंगे। अब अगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के की प्लेयर्स की बात करें तो देखिए कप्तान राइली रोसो का नाम हमने शामिल किया है की प्लेयर्स की लिस्ट में, इनके अलावा जेसन रॉय है, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम भी हमने यहां पर शामिल किए हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि क्वेटा के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब फाइनली देखिए ये तो बात हो गई दो टीम्स की प्लेइंग 11 की, साथ ही पिच का क्या हाल रहने वाला है ये भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि आखिर PSL का जो ये सेकंड मैच और इन दोनों टीम का पहला मुकाबला है इस सीजन का, तो कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर पिच के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करना चुन सकती है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ने ज्यादातर मुकाबले अपने नाम किए हैं, तो कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के ही यहाँ पर चांसेस हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं मुकाबले को जीतने के। तो वहीं अगर टीम के लिहाज से बात की जाए तो पेशावर जालिमी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच के अगर मैचेस को देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस में भी पेशावर जालिमी की टीम ने 4 यानी कि ज्यादा मुकाबले जीते थे,
तो वहीं ओवरऑल हेड टू हेड कंपैरिजन में भी पेशावर जालमी की टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चांसेस है पेशावर जालमी की टीम के ज्यादा नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 70% चांसेस जो है जीत के वो पेशावर जालमी के नजर आ रहे हैं। साथ ही 30% चांसेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती मैच है तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी इस मुकाबले को पलटने की भरपूर कोशिश करेगी। अब आपके हिसाब से पीएसएल का ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम होगी जो कि जीत के साथ इस लीग की शुरुआत करेगी, नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपना जवाब हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो पर लगाते हैं फिलहाल विराम। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी क्रिकेट के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।